क्योंकि जब ये सिस्टर यहाँ पे आए, ऑलरेडी इनकी 6 बेटियां थी और 7वां बच्चा होने वाला था, और इनकी प्रेगनेंसी का टाइम 3 महीने का, और इन्हें ऐसा लगा कि इस बार भी शायद मेरी बेटियां, और इन्होंने प्रेग्नेंट किट खाई बच्चे को डिस्ट्रॉय करने गई। सुनो, ये गवाही इसी गांव की है ना? हाँ बताओ मुझे, ये गवाही इसी गांव की है जी। इस गांव की हमने पहले भी गवाही दी थी, वो भी ढोल वाला एक लड़का लेकर आया था, तो वो इससे बड़ा था, और मैंने कहा ये कहां से इसको लेकर आए हो, ये उससे भी क्या। पर मास्टर है बंदा, देखो क्या है ये, उससे भी कितना, मैं वो इससे बड़ा था काफी और मैं उससे छोटा बोल रहा था, ये उससे भी क्या है। अरे परमेश्वर तुझे बरकत दे, बहुत अच्छा तू ढोल बजाता है। परमेश्वर बरकत, क्या नाम क्या है तेरा, माइक दो। पतरस। वाह 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 वाह, हाँ परमेश्वर तुझे बढ़ाए और अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करे। हाँ ठीक है जी, गवाही बताओ, पहले गवाही बताओ। सिस्टर का नाम कवल है और जे मुदल गांव के रहने वाले हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि इनकी 6 बेटियां हैं, और जब 7वीं बार जे प्रेग्नेंट हुए, तो जब जे प्रेग्नेंट हुए तो उस समय भी इनको जे बता रहे कि इनको ऐसा लगता था कि जब जो बच्चा है वो फिर बेटी है इनके घर में होगी, क्योंकि जब जो इनकी 6 बेटियां थी उस समय जो इनके लक्षण थे बच्चों के, जे बता रहे फिर 7वीं बार भी वैसे ही लक्षण थे, और जिसके कारण इनको लगता था कि इस बार भी मेरे घर में बेटी ही होगी। तो इनकी जो प्रेगनेंसी थी वो 3 महीने की थी, तो इन्होंने 3 महीने की प्रेगनेंसी में बेबी किट रिमूव खा ली थी, और जे बता रहे कि इन्होंने जब इन्होंने जो किट खा ली तो जो काफ़ी परेशान थे, और जो बता रहे कि किसी ने इनको प्रभु की गुड न्यूज़ दी, और जब फर्स्ट टाइम जो यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए तो इन्होंने प्रभु के दास के साथ जब इनकी पर्सनल मीटिंग हुई तो इन्होंने प्रभु के दास के साथ जब बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी 6 बेटियाँ हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे परमेश्वर बेटा दे, तो क्योंकि जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, और जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव टीचिंग और विश्वास के बारे में इनको बताया गया, प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु की पूर्ण सच्चाई के बारे में जब इन्हें बताया गया, तो क्योंकि प्रभु के दास तो जानते नहीं थे, पर इन्होंने बता प्रभु के दास ने इनको बोला कि आप विश्वास करते हो, अगर विश्वास करते हो तो जाओ, परमेश्वर आपको इस बार बेटा ही देगा। तो इन्होंने बताया कि पर मैंने तो 10 दिन हो गए बेबी किट रिमूव खा ली है, जो कि मेरी प्रेगनेंसी 3 महीने की है। तो उसी समय प्रभु के दास ने इनको कहा कि कोई बात नहीं, परमेश्वर तो सब कर सकते, अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको बेटा ही देगा और बिल्कुल वो स्वस्थ होगा। और इन्होंने जिस विश्वास में बने रहे, धन्यवाद करते रहे, और जैसे जैसे धन्यवाद करते रहे तो परमेश्वर ने जब इनकी डिलीवरी हुई तो परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया, और जो इनका जिस 7वां बेटा है, पहले इनकी 6 बेटियां थी, और जब इनके घर में बेटा हुआ तो इनकी चाहत इन्होंने परमेश्वर के आगे रखा था कि परमेश्वर हम आपके भवन में ढोल के साथ आएंगे, और एक इनके मन की चाहत थी कि जब हम अपनी गवाही को देंगे तो हम प्रभु के दास के जब हम गवाही देंगे तो हम नोटों की वर्षा करेंगे, क्योंकि जे अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं नोटों की वर्षा कर। तो इनकी मन की चाहत थी, और आज परमेश्वर ने इनकी चाहत को पूरा किया है, और आज ये अपनी गवाही देने के लिए आए और उस खुशी का इजहार करने के लिए आए, और इस ब्लेसिंग की गवाही के लिए हम सब तारीफ करेंगे एकलेसिया। और सुनो, ये बड़ा काम किया खुदा ने, बड़ा काम, छोटा नहीं है, क्योंकि जब ये सिस्टर यहाँ पे आए, ऑलरेडी इनकी 6 बेटियां थी और 7वां बच्चा होने वाला था, और इनकी प्रेगनेंसी का टाइम 3 महीने का, और इन्हें ऐसा लगा कि इस बार भी शायद मेरी बेटियां, और इन्होंने
प्रेग्नेंट किट खाई, बच्चे को डिस्ट्रॉय करने गई, क्या खा ली। और जब ये यहां पे आए तो किसी ने बताया ना कि आप वहां पे चले जाओ, और मुझे नहीं पता था जब इन्होंने कहा कि मेरी 6 बेटियां और 7वां बच्चा, मैंने कहा विश्वास करो यीशु मसीह सच्चा खुदा है, परमेश्वर आपको बेटा ही देगा। और पर मैंने ऐसे बता दिया, उत्साह से बता दिया, विश्वास रखना परमेश्वर बेटा देगा। पर इन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैंने प्रेग्नेंट किड खाई है। कितने दिन हो गए? 10 दिन। अब सुनो, यही होता है आत्मिक बंदे का विश्वास। जब मुझे ऐसा ही इसने बताया तो मेरे ऐसे नहीं कि मेरी हवा निकल गई, कि मैं तो बड़े ऐसे हयाब से कह रहा था कि परमेश्वर तुझे विश्वास कर, तुझे बेटा देगा। पर जब इसने मुझे बताया कि नहीं, मैंने तो प्रेग्नेंट किट खाई है, समझ आ रही है, तो मैं बोलूं फिर कैसे हो सकता है, आपने तो सारा काम ही खराब कर दिया। अगर ना खाते तो परमेश्वर बेटा, इसी मेरे अंदर जरा सा भी मेरे मन में ये नहीं आया कि तुमने किट खाई है कैसे होगा। मैंने कहा फिर क्या है, उसका वचन हमें कहता है मैं कोई यहर भी पिला दे खिला दे तो भी कुछ नहीं होगा। जब वचन अंदर रहता है ना तो फिर हमारा विश्वास भी बड़ा होता है। और आज आपके सामने है, सुनो एक चीज, अभी बच्ची ने बोला ना कि इनकी चाहत थी कि जब भी हम अपनी गवाही देने के लिए आए ढोल के साथ तो हम पैसों से क्या करेंगे, खुदाबंद का आदर करेंगे। पर मैं जानता हूं कि क्रिश्चियनिटी में ऐसा लोग बुरा मनाते हैं, क्या मनाते हैं, कैसे पैसों को ऐसे करना, ये वो करना, बुरा मनाते हैं। पर जब कभी कभी किसी की मन की विल होती है, उसकी इच्छा होती है, बोलो क्या होती है, तो परमेश्वर को आदर हम किसी रीति भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम खुदा ने किया, ये छोटा नहीं है। मेडिकल लाइन में होता नहीं ऐसे, वो भी 10 दिन हो गए किट खाई को, होता नहीं। पर ऐसे काम कौन करता है और कब करता है, जब एक विश्वासी का और एक अगुए का बड़ा विश्वास होता है। क्या होता है, एक विश्वासी का और एक अगुए का भी बड़ा विश्वास होता है, और उसी का आज रिजल्ट है, ये आपके सामने है, इनका बेटा इनकी गोद में और भला चंगा है, ये खुशी इसके साथ ढोल के साथ मास्टर पत्रस जी के साथ आए हैं, ये सारे देखो इनके साथ हैं और हम भी इनके साथ हैं। ओके, प्रभु आपको बहुत बरकत दे चुका है, बहुत आशीष दे चुका है। ओके, जो भी करना चाहते हो परमेश्वर आपको, ठीक है जल्दी से हैं। ओके, किसी की खुशी, हालेलुया, मैंने कहा किसी की खुशी, लादे डगा ढोल ते यारा, आज मैं जश्न मनाउणा पारा, लादे डगा ढोल ते यारा, आज मैं जश्न मनाउणा पारा, लादे डगा ढोल ते यारा, आज मैं जश्न मनाउणा पारा, लादे डगा ढोल ते यारा, आज मैं जश्न मनाउणा पारा, मैं आज मेरे यीशु ने आउणा। छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, आज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, आज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, आज मैं भंगड़ा पाउणा। उठी जांदा है बब मेरा, कर दी तेरे लगदा है बब मेरा, उठी जांदा है बब मेरा, कर दी तेरे लगदा है बब मेरा, आउण वाला जानता है बाप मेरा, धरती ते लगदा है बाप मेरा, आउण वाला है रब मेरा, यीशु आउण वाला है रब मेरा, ओते शेर यहूदा दा है, कब्र शेर यहूदा दा है, ओते शेर यहूदा दा है, कब्र शेर यहूदा दा है, कुछ दरजी आउणा, छेड़ कोई गीत खुदा बजदा, अज मैं मगरा कोई गीत खुदा बजदा, अज मैं मगरा।
हालेलुया हालेलुया। अब सभी को भी परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी बड़ी खुशियां दे चुके हैं। अभी इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग की छुटकारे की गवाहियां ढोल के साथ बड़े जश्न के साथ परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर चुका है। ओके गॉड ब्लेस यू। इस आदर के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस परिवार को बने रहना, परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा।